हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग्स में। हैप्पी नवरात्र। और आज है नवरात्र का पहला दिन, तो यहाँ मैं लग गई हूँ तैयारी में। पहले मैं बच्चों को स्कूल भेजी, क्योंकि आज बच्चों का पेपर था। बच्चों को भेजी स्कूल, उसके बाद झाड़ू लगाई और जो सामान ले आए थे पतिदेव, कल जो सामान आया था सारा सामान इसमें भर के रख दी। और जो कल का सामान है वो डब्बे में करके रखी हूँ। तो हाँ, हमारी तुलसी माता जो थी सूख गई थी, तो हमारे पति देव गए थे बच्चों को छोड़ने, तो तुलसी लेके आए थे, तो मैं दोनों गमले में लगा दी हूँ तुलसी। तो एक गमले में मैं लगाऊंगी मीठी नीम, तो दो गमले में मैं तुलसी लगा दी रामा श्यामा, तो दोनों प्रकार की तुलसी हो गई। उसके बाद मैं सारे फ्रूट जो थे उसे धो दी, और जिसमें कलश रखना है जिस लोटे में, उसे लोटे को पीतल का लोटा था तो उसमें दाग दाग हो जाता है। धो के साफ करके रखती हूँ फिर भी दाग दाग हो जाता है, तो अच्छे से उसे मैं धुल दी हूँ। और यहाँ आम का पत्ता भी धुल दी हूँ, सारे फ्रूट भी धो दी। ये दो कटोरी निकाल दी भोग लगाने के लिए, और ये ज़्यादा आम का पत्ता था तो नीचे वाली दीदी को दे दी, क्योंकि वो नहीं ले पाई थी, तो इसलिए मैं आधा उन्हें दे दी। उनकी लड़की आई थी मांगने, दादा उन्हें दे दी। और देखो पूरे किचन को, पूरे घर को आज अच्छे तरह से चमका दी हूँ, एक भी गंदगी कहीं नहीं रही, अच्छे से साफ कर दी हूँ। तो यहाँ सारे सामान रख दी हूँ, और ये जो कल सामान लाए थे वो भी निकाल के टब में रख दूँगी। तो इस बार मैं जो नहीं ले आई, क्योंकि पिछले बार लाई थी ज़्यादा बच गया था, तो इस बार मैं नहीं लाई कि यही काम चल जाएगा। तो ये जो कल सामान लाई थी तो मैं डब्बे में करके रख दी कि बच्चे इधर उधर कर देंगे, इसलिए मैं डब्बे में रख दी। तो इसे भी टब में निकाल के रख दूँगी और सारे सामान इकट्ठा रख दूँगी। जब तक पति देव नहा रहे हैं तब तक मैं अपना सामान इकट्ठा करने में लगी हूँ। और यहाँ मैं भी नहा के आ गई हूँ, तो जल्दी जल्दी लेट हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ कि लेट ना हो जाए पूजा करने में। वैसे भी 9 बजे के बाद ही पूजा करने का टाइम है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होके आ गई, और पति देव की इसलिए मैं पहले बोली थी नहाने के लिए कि जब तक मैं नहाऊंगी तब तक ये तैयारी करते रहेंगे। तो जब तक मैं नहा के आई तैयार होके, तो यहाँ कलश भी रख दिए थे और माता रानी को भी चौकी पे अच्छे से रख दिए थे पोछ ओछ के, माता रानी को माला भी पहना दिए थे। तो मैं यहाँ जब तक तैयारी कर रहे थे, तो मैं बोली कि दो मैं जौ, उसमें जौ डाल देती हूँ मिट्टी डाल के,
तो यहाँ बच्चे भी आ गए थे। तो देखिए छोटू जब भी देखेगा कि वीडियो बन रही है तब भी ये कच्छा बनियाइन पे जरूर आएगा छोटू। और ये हमारे पति देव देखिए बनियाइन पे ही बैठे हैं पूजा करने, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है तो इसलिए बोले कि चलो पूजा करवा लेता हूँ, कलश वलश रखवा देता हूँ, क्योंकि पहला दिन रहता है नवरात्र का तो उस दिन थोड़ा टाइम लग जाता है, कलश रखना हर चीज़ व्यवस्था करना टाइम लग जाता है। और उसके बाद तो दूसरे दिन तो आसानी से जल्दी से पूजा हो जाती है, पर पहले दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हर चीज़ व्यवस्था करना, फिर पूजा करना, कोई चीज़ भूल नहीं रहे हैं, एक एक चीज़ याद करना, माता रानी जो भूल चूक हुई होगी माफ़ करेंगी। जय माता दी, सज गई माता जी की चौकी, हो गया कलश स्थापना और विराजमान हो गई नौ दुर्गे माँ। तो 9 दिन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, रौनक रहता है, और 9 दिन ऐसे घर में खुशबू रहती है ना कि मन को इतना तसल्ली होता है माता रानी को देख देख के ना, जो दुख और बीमारी रहती है ना भूल जाते हैं माता रानी के सेवा में। तो वो 9 दिन, जैसे कि 9 दिन तुम्हारी कितनी भी तबीयत खराब रहती है पर 9 दिन इतना हमें आराम मिलता है, मुझे तो बहुत आराम, मैं जब से 9 दिन व्रत रह रही हूँ 9 दिन मेरे शरीर में न कहीं दर्द, न सिर में दर्द, कहीं भी दर्द नहीं। तो यहाँ हम लोग आरती कर रहे हैं, तो पतिदेव को जाना भी था और इनका ना हर 5 मिनट पे फोन आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया पूजा करने में, क्योंकि ये तैयारी भी कर रहे थे और बार बार फोन आ रहा था तो बातें भी कर रहे थे। ऐसे तो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इस समय इनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ हम लोग आरती कर रहे थे और काफ़ी लेट हो गया था आज, और मम्मी का भी फोन आ गया था, जैसे ही हम लोग आरती करने की तैयारी किए वैसे ही मम्मी का फोन आ गया था, तो जल्दी जल्दी हम लोग आरती किए और इनका भी फोन बज रहा था ऑफिस से भी। उसके बाद हम आ गए चाय बनाने, तो मैं एक तरफ चाय रख दी हूँ, एक तरफ रख दी हूँ मखाना भूनने के लिए, क्योंकि मैं इनसे बोली कि मूँगफली भून दूँ तो मना कर दिया कि नहीं मूँगफली नहीं, मुझे चिप्स दे दो और चाय दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी मखाना भून रही थी कि चिप्स के साथ थोड़ा सा मखाना भी खा लेंगे सही रहेगा। तो यहाँ मेरी चाय गर्मा गर्म चाय बन रही है। ले छोटू, छोटे मखाना ले जा, चाय गरम होती है? नहीं है गरम, बाय भैया को बोल दे ले ले। छोटे पापा के दिन
चाय हर्षित की पढ़ाई चल रही है और छोटे चंद गए हैं पापा के साथ घूमने और देखो बैग यहाँ रख के गए हैं पढ़ने के लिए और सारी बुक कॉपी फैला के गए हैं और पापा के पीछे पीछे पापा उनके जा रहे थे बाहर तो वो भी पीछे पीछे चला गया और ये लवंडा यही रह रहा है क्योंकि इसका कल लास्ट पेपर है इसलिए पढ़ाई में मन लगा रखा है। अच्छा नंबर लाएगा और गिफ्ट क्या लेगा अब तो ले लिया गिफ्ट जूता और घड़ी। नंबर लाने दो पहले पहले नंबर लाओ फिर गिफ्ट लो कल इनका लास्ट पेपर है उसके बाद इनका बल्ले बल्ले है फिर उसके बाद आएगा रिजल्ट उसके बाद आएगा नंबर कम तो होगी पिटाई इतना तो पता है पास तो ही जाऊंगा। अच्छा नंबर लाओगे तभी तो जाओगे दूसरे स्कूल में इस साल इन दोनों की स्कूल चेंज होगी क्यों कैसा लगेगा न्यू स्कूल में जाके न्यू दोस्त ये सारे पीछे छूट जाएंगे पुराने दोस्त पुराने स्कूल पीछे छूट जाएंगे हैं। माता रानी से मनाओ कि माता रानी मुझे अच्छे अच्छे दोस्त देना और इस अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना और अच्छे से मन लगाऊं पढ़ाई करूं। ये आज मैं मोटी मोटी क्यों लग रही हूँ ना आज छोड़ी छोड़ी लग रही हूँ मोटी मोटी लग रही हूँ। माता रानी का कमाल है आज मैं क्यूट लग रही हूँ ना कोई मेरी तारीफ नहीं करता मैं खुद अपनी तारीफ कर रही हूँ। दे हर्षित तेरे भी ये हो गया है ना देखो मेरे जैसा कहाँ पे यहाँ ये तो चोट लगी थी नहीं गड्ढा यहाँ तेरे भी है मेरे जैसा देखो ये तो थोड़ा सही है ये गड्ढा फिर पेपर का एकदम 23, 24, 25, 26, 27 पांच दिन तक करूँगा आराम से अपना फिर आराम से मैं चाह रही हूँ नेल पेंट लगाने और एक कलर मुझे बहुत पसंद है तो मैं एक कलर ज़्यादातर लगाती हूँ ये पसंद है और मुझे ग्रीन पसंद है और एक कलर और है तीन कलर मुझे बहुत पसंद है रेड भी ज़्यादा नहीं पसंद है एक रेड और आता है जो मुझे शादी में गया था इतना अच्छा नेल पेंट था कि वो सूखा नहीं काफ़ी दिन तक चलाओ छोटी सी शीशी थी इतनी छोटी सी थी तो वो कलर बहुत वो रेड ना अलग ही रेड था वैसा वह कभी मुझे मिला ही नहीं मैं बहुत खोज ही नहीं मिला तो मुझे वही वाला रेड अच्छा लगता है और तो कोई नहीं अच्छा लगता रेड और ये अच्छा लगता है कलर ग्रीन अच्छा लगता है और एक जो थोड़ा बैगनी कलर आता है वो तीन तो चलिए लगाते हैं नेल पेंट देखो पैर भी ऐसे हो रखा है और हाथ भी ऐसे हैं तो लगा लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि खेत काट के आई हूँ काटी नहीं हूँ फिर भी लग रहा है जैसे खेत काट के आई हूँ और हंस रहा है ये देखो एक हाथ में लगाऊंगी इस हाथ में कैसे जैसे सिकुड़े सिकुड़े मेरे हाथ गंदे गंदे हाथ तो चलिए नेल पेंट लगा लेती हूँ और आज हमारे पतिदेव व्रत हैं तो उन्हें भूख लग रही है तो जल्दी जल्दी पूजा करूँगी पोछा लगाऊँगी फिर शाम के टाइम हो रहा है क्या बना गए तो अभी पोछा लगाऊँगी और कौन नेल पेंट लगा के पोछा लगाता है मैं मूर्ख हूँ जो नेल पेंट लगा के पोछा लगाने जा रही हूँ तो मेरा ऐसे ही है कभी कभी मैं ना नेल पेंट लगा के और 5 मिनट ही बीतता है बर्तन धो देती हूँ तो सारे नेल पेंट उखड़े जाते हैं उखड़ के हट जाते हैं। और देखो मैं ना थोड़ा लंबे करी थी नाखून फिर नवरात्र आ रहा था ना इसलिए मैंने काट दी कि 9 दिन बिल्कुल छोटे छोटे नाखून क्योंकि इसमें गंदगी भर जाएंगे और फिर
साइड साइड से काट भी नहीं सकते हो, टूट भी जाएंगे, तो इसलिए